हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक गुरुकुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एवं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा बाहरी दुईट भल जब विषय डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स, प्रथम आम ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा बाहरी स्मॉल सेविंग एंड फाइनेंशियल इनक्लूजन ऑफिसर उपर आलोचना करवा, जहाँकि केवल आपणकर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थिबा कथा एवं आपण एग्जाम केवल जनरल अवेयरनेस रो एग्जाम देखि जॉब पाइबे, सेतिरे ना इंग्राजी अछि ना ओडिया अछि ना एरिथमेटिक अछि। तो ए विषय रे हम डिटेल्स डिस्कशन करबा। तो फ्रेंड्स देखंतु, एटा हेउछि आपणकर स्मॉल सेविंग फाइनेंशियल ऑफिसर जोटा बाहरी आपणकर तार एडवर्टाइजमेंट स्मॉल सेविंग एंड फाइनेंशियल इनक्लूजन ऑफिसर बोली कहा जाउ छी। तो एटा आपणकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टा 3 तारीख रु स्टार्ट हेबो एवं एंड डेट हेउ छी आपणकर अक्टूबर 1 पर्यंत आपण रजिस्ट्रेशन करि पारिबे एवं फीस टा मध्ये से समान डेट पर्यंत प्रोसेसिंग करि पारिबे एवं एप्लीकेशन फॉर्म टा आपणकर 8 तारीख पर्यंत अछि, अक्टूबर 8-10 पर्यंत अछि। तो आमे डिटेल्स डिस्कशन करबा, केतेटा पोस्ट बाहरी कौन सब बाहरी से विषय में आलोचना करवा। तो केमी आप एप्लाय करेंगे प्रथम देखनी, तो www.ossc.government.in को जाकि ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि पारिबे। तापर देखिबा आपणकर बयस केते अछि, तो एतिरे बयस दिछि 21 वर्ष रु 32 वर्ष पर्यंत अप्लाई करि पारिबे। एससी एसटी ओबीसी एवं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सेमानक पई रिजर्वेशन अच्छी। एससी एसटी ओबीसी 5 वर्ष पर्यंत रिलैक्सेशन अच्छी, तो 37 एज पर्यंत सेमाने अप्लाई करि पारिबे। तो एबे आमे पोस्ट देखिबा केतेटा पोस्ट बाहरी छि। तो देखंतु एससी रो दुईटा से भितरे ओमेन गोटे अछि, एसटी रो तीनटा ओमेन दुईटा अछि, एससीबीसी रो गोटे ओमेन केवल ओमेन अछि, यूआर 9टा अछि ओमेन तीनटा से भितरे टोटल 15टा बाहरी छि एवं ओमेन पई 60टा रिजर्वेशन अछि। तो फ्रेंड्स एटा थिला केतेटा पोस्ट बाहरी छि। तापर आम सैलरी कथबार्ता होगा, तो एलिजिबिलिटी तो यहाँ मुझको आगर कहीदे, ए विषय आज डिटेल डिस्कसन करवा ना, केवल ग्राजुएसन दरकार, एजुकेशनाल क्वाफिकेसन होवल ग्राजुएसन। तो ये लिखाही देखो, मस्ट हाव हैली बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लीन मानने जेकोसी आप कमर्स आर्ट्स सैंस जहाँ भी होता पकई पारे। एवं फिज अच्छी जो मैंने एससी एसटी एवं पीडब्ल्यूडी पिला से फीज लागिबो नाही, अदर जहाँ भी अच्छा समस्त 200 टंका ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ो। तो सैलरी उपरे देखा, देखो मुझा कहूँ केवल आपणकर टायर वन जनरल अवेयरनेस 100 मार्क परीक्षा हे ना इंग्लीश हे ना मैथमेटिक्स हे ना ओडिया हे। एवं जो मैंने सिलेक्ट हे मानने जिते पोस्ट अच्छे तार तीन गुण निजी भाइबा फर्स्ट टेस्टा हम भाइबाटा 10 मार्क अच्छी। देखा सैलरीटा आपणकर अच्छी, सैलरी विषय मुझे कहीदे, सैलरी 16,880 टंका आपणकर स्टार्टिंग रु अच्छी 16,880। तापर प्रति वर्ष जमी आम कंट्राक्चुअल मानक 10% इनक्रीमेंट हुए, प्रति वर्ष 16,880 सेकेंड इयर तार 10% बढ़े, ये 10% मानने 1680 टंका बढ़े, प्रति वर्ष 10% आपणकर इनक्रीमेंट है। तो जो मानकर निहाती भाव जब आपणकर क्वालिफिकेशन अच्छे निहाती भाव पकातु 15टा पोस्ट बाहरी बोली सेमती भाबा उचित नुह, कहीं 15टा पोस्ट आपणक बहुत। तो एबे आमे आलोचना करवा ओपीएससी रो क्यों पोस्ट बाहरी। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ हूँ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। आपणकर पोस्ट रो नाम हूँ आसीस्टाट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 पोस्ट, ग्रुप बी सर्विस रे क्लास 2 पोस्ट एटा। तो एर डेट अच्छी देखु आप 10/9-30/9 पर्यंत रजिस्ट्रेशन करि पारिबे एवं 8 तारीख हूँ आपणकर 8/10/2021 हूँ फर्म पकेबार शेष तारीख। तो केतेटा पोस्ट बाहरी देखिबा 37 पोस्ट बाहरी, से भितर आपणकर ओमेन अच्छी 12टा, यूआर रे 20टा पोस्ट अच्छे ओमेन 60टा अच्छी, एससीबीसी रे 60टा भितरे ओमेन 2टा, एससी रे 4टा ओमेन गोटे एवं एसटी रे 6टा पोस्ट से भितरे ओमेन 2टा अच्छी। तो तापरे देखिबा आमे
एटा तो फिजिकल ई हैंडिकैप जो माने दिव्यांग पिलांग पई तो एज देखी देबा एज टा से समान आपनकर 21 वर्ष रु 32 वर्ष पर्यंत अछि एवं एससी एसटी ओबीसी पिलांग पई 5 इयर रिलैक्सेशन अछि। ओमेन एंड एक्स सर्विस मैन पई 10 इयर रिजर्वेशन अछि। तो एटा तो आपन एज रो गला। तापर पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट पाई मध्य आपण 15 वर्षर रिलैक्सेशन अछि। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिबा बैचलर ऑफ साइंस इन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर किंबा एग्रीकल्चर रे बीएससी करितिबा कथा। तो निहाती भाबे जो मानकर अछि अप्लाई करंतु। एग्जामिनेशन फी देखिबा 500 टंका पड़िबो एवं जो माने एससी एसटी अछंती सेमानक पाई कोनोसी फीस पड़िबो नाही। मेथड ऑफ सिलेक्शन टा रिटिन एग्जाम हेबो तापरे इंटरव्यू हेबो। रिटिन टेस्ट कोन हेबो गोटिए पेपर आपनकर 200 मार्क रहबो जोंतिरे 200 टा क्वेश्चन आसीबो एवं 3 घंटा पई नेगेटिव मार्क मध्य अछि। गोटिए मार्क जदि भूलला 0.25 नेगेटिव मार्क अछि आउ इंटरव्यू टा 25 मार्क हेबो। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एटा आपन सिलेक्ट करबे कटक एवं भुवनेश्वर रे हेबो। एटा आपन ए दुटा भितर जो जगह देबा कथा देबे। तापर देखिदेबा आपणकर एटा तो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट समस्त समस्त जानिसंती। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कोन कोन दिया हबो सेटा पढ़ी देबे नहले एप्लीकेशन टा आमे देइ देबा आमर टेलीग्राम ग्रुप रे देइ देबा। आपण जे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करि नांती आ जॉइन करंतु एवं एटा आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे। ऑनलाइन अप्लाई करबाकु हबो। तापर देखिदेबा यार आउ कोन डिटेल्स देसि क्लोजिंग डेट देखि देखंतु। एटा आपनकर क्लोजिंग डेट अछि 30/9/10 रु आरंभ है कि 30/9 पर्यंत अछि। तो एटा थिला आजर डिस्कशन। जदि आपनकु भल लागिला निहाति भाबे शेयर करिवे। तो एठी आमे सैलरी उपरे आमे कथाबार्ता करिले नाही। तो सैलरी टा निहाति भाबे आपनकर जेहेतु क्लास 2 पोस्ट 4600 ग्रेड पे आपनकर हेबो। 4600 जदि ग्रेड पे हेबो आपन जे रेगुलर पोस्ट पाउछंती ताहिले आपण स्टार्टिंग रु 55,000 पाखापाखि पाइबे। आउ जदि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे हेबो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे तो क्लास 2 पोस्ट हुए नहीं तथापि जदि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे दोउछि ताहिले आपण एटा दिया है जे देखंतु विथ ग्रेड पे लेवल 10 एज पर रूल विथ यूजुअल डियर। तो एटा 4600 ग्रेड पे रे आपण पाइबे। तो 4600 ग्रेड पे रे आपणकर 44900 अछि स्केल। ताप सहित आपणकर अछि एचआरए डीए एमिति हे कि आपणकर माने डीए तो एबे आपणकर 17% अछि 17% अछि। तो 17% डीए काउंट हे कि आपणकर पाखा पाखी 52,000 समथिंग आपण पाई जिबे। तो जे मानकर क्वालिफिकेशन अछि निहाति भाबे अप्लाई करंतु एवं एई चैनल सहित कनेक्ट हे रहंतु नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा।